The skeletal muscles हमारी voluntary muscles हैं या involuntary muscles हैं? Skeletal muscles हमारी voluntary muscles हैं या involuntary muscles? Voluntary muscles. मीन्स ये इसकी जो movement है that is the voluntary movement के द्वारा control होती है, उसको क्या नाम देंगे? Skeletal muscles. अब जो skeletal muscles के जो skeletal muscles relaxant है, जब भी हम skeletal muscles relaxants medicine use करते हैं, इस मेडिसिन का जो पर्पस है कि हमारी बॉडी के अंदर अनवांटेड स्पास्टिसिटी हो या अनवांटेड स्पाज्म हो उसको रिड्यूस करना, या हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटल मसल्स की पैरालिसिस प्रोड्यूस करना. दो काम, पहला काम क्या हो गया कि स्पास्टिसिटी या स्पाज्म को कम करेंगे, या दूसरा हो गया कि हमारे मसल्स में पैरालिसिस प्रोड्यूस करेंगे विदाउट इंटरफेयरिंग इन द कॉन्सियसनेस. बिना कॉन्सियसनेस को अफेक्ट किए बॉडी के अंदर स्पास्टिसिटी या स्पाज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं या मसल्स में पैरालिसिस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस एजेंट को नाम देंगे इट इज द स्केलेटल मसल रिलैक्स. अब प्रश्न ये हो गया कि हम इंटेंशनली बॉडी के अंदर पैरालिसिस क्यों प्रोड्यूस करेंगे. सपोज कोई हमारे बॉडी के अंदर स्पास्टिसिटी है, हमारे बॉडी में स्पाज्म है, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए, उसे क्योर करने के लिए हम स्केलेटल मसल को रिलैक्स कर रहे हैं और हमने एक मेडिसिन यूज किया उसका नाम दिया गया स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. लेकिन हम इंटेंशनली हम पैरालिसिस क्यों प्रोड्यूस करते हैं, जिसका मेन पर्पज क्या होता है, जब किसी भी कहीं जब कोई सर्जिकल ऑपरेशन करना होता है तो उस समय सर्जिकल ऑपरेशन में मसल्स को स्टिफनेस कम होनी चाहिए, मसल्स के अंदर टाइटनेस नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम आपको मसल रिलैक्सेंट देंगे. उससे क्या होगा कि मसल्स रिलैक्स हो जाएगा तो जो ऑपरेशनल प्रोसीजर होंगे, जो सर्जिकल प्रोसीजर होंगे, वो प्रोसीजर हमारी आसान हो जाएंगे. किसी बात की, ठीक है. तो मसल रिलैक्सेंट का मसल रिलैक्सेंट का जो हम ट्रीटमेंट भी यूज करेंगे दैट इज टू ट्रीट द स्पास्टिसिटी एंड स्पाज्म. अब यहाँ पे दो वर्ड आ गए, एक वर्ड आ गई स्पास्टिसिटी और दूसरी वर्ड आ गई स्पाज्म. स्पाज्म हम सभी को मालूम है कि स्पाज्म का मतलब क्या हम कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन या क्रैम्प इन द मसल्स, या मसल्स के अंदर कोई इनवॉलंटरी मूवमेंट होनी है. हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर वॉलंटरी मूवमेंट होती है, लेकिन यदि हमारे बॉडी के अंदर किसी कारण से वहां पे इनवॉलंटरी मूवमेंट स्टार्ट हो गई, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई और वो कॉन्ट्रैक्शन बंद ही नहीं हो रही है, तब उस कंडीशन में जो डिजीज प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या नाम देंगे, इट इज द स्पास्म. क्लियर. दूसरा वर्ड है स्पास्टिसिटी. स्पास्टिसिटी क्या है? स्पास्टिसिटी भी सिमिलर है, लेकिन टेक्निकली स्पास्टिसिटी अलग चीज होती है और स्पाज्म में अलग चीज होती है. अब इन दोनों को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग पहले ये जानेंगे कि जो स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, उस कॉन्ट्रैक्शंस का क्या फिजियोलॉजी है, क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से हमारे बॉडी का जो मसल्स है वो वॉलंटरली कॉन्ट्रैक्ट होती है और किस तरह से मसल्स वॉलंटरली रिलैक्स होती है. उसके लिए हमारे बॉडी में दो तरह के न्यूरॉन्स और पूरे बॉडी के जो न्यूरॉन्स उसको दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. एक का नाम देता है अपर मोटर न्यूरॉन और दूसरा नाम देंगे लोअर मोटर न्यूरॉन. अपर मोटर न्यूरॉन होता है वो न्यूरॉन जो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स या ब्रेन से मैसेज को कन्वे कर रहा है, कहां तक के स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज करो या पोटेंशियल करो या इंपल्स करो, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, वो इंपल्स कैरी करना फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू स्पाइनल कॉर्ड. और दूसरा हो गया लोअर मोटर न्यूरॉन्स, मींस वैसा न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है और कहां तक जा रहा है, इफेक्टर ऑर्गन तक जा रहा है, तो ये जो न्यूरॉन है उसको क्या नाम देंगे, इट इज द लोअर मोटर न्यूरॉन. यदि किसी भी कारण से अपर मोटर न्यूरोन में कोई डिसऑर्डर आ गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई डिजीज हो गई, तो वो हमारे बॉडी में ये स्पास्टिसिटी या स्पाज्म या दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं. समझ में बात क्लियर, सिंपल है कि UMN में अपर मोटर न्यूरोन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई डिसऑर्डर आ गई, कोई डिजीज हो गई, तो हमारे बॉडी के अंदर स्पास्टिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, हमारे बॉडी के अंदर स्पाज्म प्रोड्यूस कर सकता है, या दोनों ही प्रोड्यूस कर. और यदि प्रॉब्लम आ रही है लोअर मोटर न्यूरॉन में आ गई, मींस जो न्यूरॉन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन तक जा रही है, यहां कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस कंडीशन में वो हमारे बॉडी में क्या प्रोड्यूस करेंगी, दैट इज द क्लियर. अब ये हमारे इंपल्स जो होंगी वो मूव करेंगी थ्रू द दिस न्यूरॉन्स. इसके अलावा हम ट्रेन जानते हैं कि इन न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होती हैं जो मैसेज को कन्वे करती हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन या फ्रॉम द न्यूरॉन टू द इफेक्टर ऑर्गन्स. और वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स भी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में अफेक्ट करेंगे. यहाँ पे हम जो न्यूरोट्रांसमीटर स्टडी करेंगे वैसे न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारी वॉलंटरी मसल्स को अफेक्ट कर रही है, और मेनली हम चार न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं. एक का नाम है गाबा, गामा एमिनो ग्लूटामिक एसिड, दूसरा हमारा है ग्लूटामेट, तीसरा है ग्लाइसिन और चौथा क्या है एसिटाइलकोलाइन. जो गाबा होते हैं ये गाबा रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया तो ये इनहिबिटरी एक्शन होगा. इनहिबिटरी एक्शन मीन्स कि हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी,
हम लोग क्या पहले पढ़ चुके हैं कि जब सेल्स की डीपोलराइजेशन होती है तो सेल में क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है और जब पोलराइजेशन होगा तो क्या होगा सेल के अंदर रिएक्शन होगा। लेकिन जब गाबा रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है तो वो वहां पे हाइपर पोलराइजेशन कर देगा, मतलब क्या होगा कि पोलराइजेशन से भी ऊपर चला जाएगा, वहां कंप्लीट रिलैक्सेशन हो जाती है। ये क्यों होती है कि जब ये चैनल ओपन होगा, मीन जैसे गामा रिसेप्टर पे गाबा आके अटैच होगी तो वहां जो आयन चैनल होगी वो आयन चैनल ओपन हो जाएंगे और जो निगेटिव आयन आयन है या जो क्लोराइड आयन है क्लोराइड आयन सेल्स के अंदर एंटर करेंगे और कैल्शियम आयन सेल से बाहर को निकलेंगे और जैसे जैसे कैल्शियम आयन सेल से बाहर निकलती जाएंगे वहां पे पोलराइजेशन चली जाएगी और जब कंप्लीट निकल जाएंगे तो हम क्या वर्ड करेंगे दैट इज द हाइपर पोलराइजेशन। और जब वहां पर हाइपर पोलराइजेशन होगा तो मसल्स के अंदर या सेल्स के अंदर क्या हो जाएंगे पैरालिसिस हो जाएंगे, मूवमेंट किससे तो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है डीपोलराइजेशन से। यहाँ पे क्या हो रहा है हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है, मींस कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गई है। यदि कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुई तो नॉर्मल रिलैक्स हुआ, लेकिन ये मान लो कि रिलैक्सेशन काफी लंबे समय तक चल गया तो उसको क्या हो जाएगा वो दैट इज द पैरालिसिस। क्लियर। दूसरा हमारा ग्लूटामेट, ग्लूटामेट क्या है इनहिबिटरी, इनहिबिटरी मतलब कि ये पोलराइजेशन को कम करता है डीपोलराइजेशन की तरफ ले जाता है और यहाँ पे दोनों है डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्टर ऑर्गन, ये एक्साइटेटरी भी है और ये इनहिबिटरी भी है। और लास्ट में था एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन बारे में पहले भी जान चुके हैं कि एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिस वाले भी लोअर मोटर न्यूरॉन्स है, ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स है इसका दूसरा नाम दे सकते हैं सोमैटिक न्यूरॉन्स। सोमैटिक न्यूरॉन्स को सुने हो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक स्टडी क्या था एएनएस और सीएनएस में, उसमें क्या था सोमैटिक नर्वस सिस्टम था, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होती थी कि हमारी नर्व्स है वो इफेक्टर ऑर्गन में आ रही है और इस इफेक्टर ऑर्गन पे यहाँ पे जो गैप है इस गैप के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर होगी उस न्यूरो ट्रांसमीटर का नाम क्या दिया जाएगा। क्लियर। अब सपोज करो किसी कारण से किसी वजह से हमारे सीएनएस से नर्व इंपल्स या नर्व पोटेंशियल आगे को मूव कर रही है, वहां से आगे हमारी स्पाइनल कॉर्ड में और स्पाइनल कॉर्ड से सोमैटिक नर्वस सिस्टम से कहां रहेंगी हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स में। अब जैसे ही इंपल्स आएंगी तो यहाँ पे जो सेमिनल वेसिकल्स होती है या फिर वेसिकल्स होती है जहां पे एसिटाइल कोलिन स्टोर होती है, अब इसका बकरी पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे स्टाइल कोलिन स्टोर होगी, जैसे मैसेज आएंगी इंपल्स आएंगी वहां से स्टाइल कोलिन रिलीज होंगी और स्टाइल कोलिन कहां जाएंगी इस गैप में इस साइनेप्टिक के क्लेफ्ट में और यहाँ से वो कहां पे एंटर करेंगी निकोटिनिक रिसेप्टर पे, निकोटिनिक रिसेप्टर ओपन होंगे, सोडियम आयन अंदर आएगा पोटासियम आयन बाहर जाएगा और उससे क्या हो जाएगा डीपोलराइजेशन हो जाएंगे और उस डीपोलराइजेशन से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। समझ आपको। यहाँ पे कुछ वर्ड्स है टेक्निकल वर्ड्स है, जैसे एक वर्ड हमारा एन ई पी पी, दूसरा वर्ड है ई पी पी और तीसरा वर्ड है एम ए पी, इसको कहेंगे मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल, ई पी पी हो गया एम ए पी पी, एम ए पी हो गया मसल एक्शन पोटेंशियल, मसल एक्शन पोटेंशियल। क्या होता है जब नॉर्मल कंडीशन होगा तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की आवश्यकता हो या ना हो एस्टाइल कोलिन स्लोली रिलीज होती रहती है और वहां पर हल्का फुल्का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे लेकिन कॉन्ट्रैक्शन महसूस नहीं होगा तो उसको क्या नाम देंगे एम ई पी पी। यदि सपोज करो कि इंपल्स आ रही है वहां से मैसेज आ रही है और इस मैसेज ने यहाँ पे आकर के एस्टाइल कोलिन को रिलीज कर दिया, मीन्स एस्टाइल कोलिन का अमाउंट अभी ज्यादा हो गया, मीन्स यहाँ पे डीपोलराइजेशन शुरू हो गई तब हम उसको क्या कहेंगे इट इज द ई पी पी। क्लियर बात है। अब ये सपोज करो कि ये कंटिन्यूअस चल रही है स्टाइल को रिलीज होती जा रही है तो वहां पे क्या होगा कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन है डिपोलाइजेशन होगा वो डिफरेंट सेल्स में पहुंचना शुरू हो जाएगा और जो मसल्स होंगी उस मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जैसे स्टाइल को कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेंगे उसका जो सेल्स नंबर ज्यादा सेल्स का इफेक्ट करना शुरू कर देंगे, जब ज्यादा सेल्स का इफेक्ट करना शुरू कर देंगे तब कहेंगे मसल एक्शन पोटेंशियल, मीन्स मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई। ये हमारी हो गई मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब हम लोग इसी से पता करेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन होंगी जो इन कंडीशन में कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो उस कॉन्ट्रैक्शन को चलते क्या होगी वहां पे स्पाज्म हो जाएगी। क्लियर। अब कि जब इसका यूज करते हैं ये स्पास्टिसिटी को कम करता है और स्पाज्म को कम करता है। यदि हमारी प्रॉब्लम कोई भी जो डिसऑर्डर्स है वो डिसऑर्डर्स इस हमारे अपर मोटर न्यूरॉन्स में हो रही है
कोई भी ऐसी डिजीज हो गई, कोई भी डिसऑर्डर हो गया अपर मोटर न्यूरॉन्स में, तो वो डिसऑर्डर और वो डिजीज क्या करेंगे हमारी बॉडी में स्पास्टिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। स्पास्टिसिटी जब प्रोड्यूस करेंगे इससे क्या, स्पास्म में क्या था कि जिस ऑर्गन में है उस ऑर्गन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, वहां पर अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। लेकिन जब स्पास्टिसिटी होगी तो हमारे बॉडी के पार्टिकुलर एरिया के बहुत सारे मसल्स अफेक्ट होंगे, और ये आपके गेट वर्ड है GAIT, गेट जिसको क्या कहते हैं गेट। हमारी जो स्पीच है, हमारा जो बात करने का जो लहजा है, ये सारी जो गेट होंगी या स्पीच होगी वो सारी चेंज हो जाती है जब ये पूरा बॉडी पे उसका अफेक्ट होता है, तो हम क्या नाम देते हैं स्पास्टिसिटी। और जब सिर्फ एक पर्टिकुलर मसल्स में हो रहा है तो हम क्या नाम देंगे इट इज द स्पास्म, ठीक है। अब वो कौन कौन से कंडीशन है जो अपर मोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करेंगे, मींस हमारी जो सीनियस के अंदर कोई डिजीज होगा उस डिजीज के द्वारा ये अपर मोटर न्यूरॉन्स जो फंक्शन है वो फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे, उस डिजीज का नाम है सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी मतलब क्या, पैरालिसिस, कि हमारी जो सीनियस है वहाँ पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, उस सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई, बर्थ इंजरी, बर्थ के टाइम में कोई हमारे हेड के अंदर कोई इंजरी हो गई, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस मतलब बहुत सारे वहाँ पे मल्टीपल बहुत सारे वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, और लास्ट हो गया सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज। मीन्स ये चार डिजीज है हमारे सीएनएस के, सेरिब्रल पाल्सी, बर्थ इंजरी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज। ये जो डिजीज है हमारे सीएनएस के, इसके द्वारा हमारे बॉडी के अंदर स्पास्टिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, और इसको ठीक करने के लिए हम जो मेडिसिन देंगे उस मेडिसिन में प्यारा होगा इट इज द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, क्लियर। दूसरा, इसके अलावा अब हमने क्या शुरू किया कि बॉडी के अंदर डिफरेंट न्यूरॉन्स है, अपर मोटर न्यूरॉन्स एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स, इनमें से दो तरह न्यूरॉन्स हुई, एक को लोग कहेंगे एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स, मींस यदि वो न्यूरॉन एक्टिवेट हुई तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, और बॉडी हम पहले जान चुके हैं जो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगी तो रिलैक्सेशन ही बढ़ेंगी, तो दूसरा जो न्यूरॉन होगा उसको क्या नाम देंगे इट इज द इनहिबिटेटरी न्यूरॉन्स। समझ बात करो, दो न्यूरॉन्स हो गई एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स एंड इनहिबिटेटरी न्यूरॉन्स। एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेंगी, और इनहिबिटेटरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब मान लो किसी कारण से जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो गई, जब एक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा स्पास्म एंड स्पास्टिसिटी, क्लियर। यदि मान लो किसी कारण से जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स है उसकी एक्शन पोटेंशियल कम हो गई, वहां पे कोई प्रॉब्लम आ गई, वो अपना काम फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो इनहिबिट हो गई उसकी फंक्शन, तो उस कंडीशन में यदि कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो फिर वो रिलैक्स नहीं होगी, और जब कॉन्ट्रैक्ट रह गई तो उसको क्या कहेंगे इट इज द स्पास्म और स्पास्टिसिटी, क्लियर बात है। अब हम देखेंगे मेडिसिन, जब हम इस डिजीज को प्रॉब्लम को ठीक करना हो तो जो मेडिसिन यूज करेंगे उस मेडिसिन को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक हम नाम देंगे सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, और दूसरा क्या नाम देंगे पेरिफेरल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, क्लियर। नाम से क्लियर है, यदि सेंट्रल एक्टिंग जो मसल रिलैक्सेंट है वो कहां पे वर्क कर रही है इन द सी एन एस, मींस इट विल वर्क ऑन द अपर मोटर न्यूरॉन्स, और जो हमारी पेरिफेरल पेरिफेरल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है वो कहां एक्ट करेंगे दैट इज द लोअर मोटर न्यूरॉन, क्लियर। तो जो इस हमारी जो सेंट्रल एक्टिव मसल रिलैक्सेंट है ये यूजली ये जो कंडीशंस होती हैं इस कंडीशंस को मॉड्यूलेट करती हैं, इस कंडीशंस को चेंज करती हैं, और चेंज करने के बाद वो रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करती हैं। अब वो क्या क्या चेंजेस हैं जो हम इंडिविजुअल ड्रग पढ़ेंगे, हर एक ड्रग का अलग अलग मैकेनिज्म है, जो इंडिविजुअल ड्रग्स पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा ड्रग सीनियस से किस पार्ट को या किस न्यूरो ट्रांसमीटर को अफेक्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर। दूसरा मैं क्या कहता हूँ पेरिफेरल एक्टिव मसल रिलैक्सेंट, जो पेरिफेरल एक्टिव मसल रिलैक्सेंट है वो कहाँ पे एक्ट करेंगे इसकी एस्टिटाइल कोलिन, ठीक है। अब जो एस्टिटाइल कोलिन है यहाँ पे जो एस्टिटाइल कोलिन का फंक्शन हो रहा है कैसे फंक्शन हो रहा है, ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स एस्टिटाइल निकोटिनिक रिसेप्टर पे एस्टिटाइल कोलिन कंबाइन कर रही है, और वहां से मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अब हम यहाँ पे दो तरह के ड्रग यूज कर सकते हैं, एक ड्रग तो ऐसा होगा जो इस एसिटाइल निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा, ड्रग क्या करेगा निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा, जब ब्लॉक कर देगा तो एसिटाइल कोलिन वैसे रिलीज हो रही है लेकिन वो निकोटिनिक रिसेप्टर से अटैच नहीं हो पा रही है, जब अटैच नहीं हो रही है तो आपका एक्शन एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा, और नतीजा क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाएंगे, वहां पे क्या हो जाएंगे रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा,
दूसरा क्या होगा कि वो जैसा स्कैल्पोइड एक्शन प्रोड्यूस करता है वैसा ही एक्शन वो ड्रग भी प्रोड्यूस करेगा, मीन्स वो ड्रग भी यहाँ पे आके आयरन चैनल को ओपन कर देगा ताकि डिपोलाइजेशन स्टार्ट हो, लेकिन वो डिपोलाइजेशन इतना प्रोलॉन्ग हो जाएगा कि ये चीजें इनसेंसिटिव हो जाएंगी स्कैल्पोइड से। आप उसके ऊपर कुछ होता है कुछ लोगों को बहुत देर तक और उसको दूसरी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। अब जब सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी तो स्कैल्पोइड वहां से अटैच होगा भी तो अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो हम क्या होगा सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, स्कैल्पोइड एक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, नतीजा क्या होगा मसल स्क्रीन में बहुत पहले तो कॉन्टैक्ट करेगा लेकिन फिर वो मसल क्या हो जाएगा हमारा रिलैक्स हो जाएगा। इस तरह से ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारा कौन सा स्केलेटल मसल रिलैक्स तो कंप्लीट रिलैक्सेशन नहीं होती है, कंप्लीट रिलैक्सेशन के लिए हमें पेरिफेरल एक्टिंग ड्रग का यूज करना होता है। दूसरा पॉइंट कि जो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है जो NSAIDs करते हैं नॉनस्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जिसको कंट्रोल करना है तो दैट ड्रग इज मोर इफेक्टिव देन द पेरिफेरल एक्टिव मसल रिलैक्सेंट। इसे हम यूज तो करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली इसका बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है कंपेयर टू द NSAIDs। क्लियर, तो इस तरह हमारी कंप्लीट हो गई इंट्रोडक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। Thank you.